हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और फुल एंजॉय कर रहे होंगे। अभी सुबह के बजे हैं 9 और बारिश कंटिन्यू लगी हुई है। बारिश ने बिल्कुल मतलब सारे शेड्यूल्स को खत्म कर दिया है। सो आज करेंगे कुछ फुल डे ब्लॉगिंग। सो अब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। और आज हमें शादी का इन्विटेशन है, सो अब हम जाएंगे शादी में। करते हैं तैयारी शुरू। और यहाँ पे दो मच्छर बैठे हैं। हेलो डियर, तैयार हो चुके हैं, अब चलते हैं शादी की। अब हम रेडी हैं चलने के लिए। सो शूज डाल लेते हैं लास्ट में और चलते हैं फिर। तो अब हम चल पड़े हैं और अब हम फूल तैयार हैं, परंतु बारिश लगी है। काफी दिक्कत देती है बारिश, आज कुछ दिनों से बारिश का ही मौसम चला है। परंतु चलते हैं, अब रिश्तेदारी में है शादी, सो वो तो वहां तो अटेंड करना जरूरी है। सो चलते हैं जल्दी जल्दी और हमारे साथ हम मजी भी जाएंगे। और ये देखिए, अब बगाड़ी में बैठ चुके हैं मम्मी जी के साथ। और ये देखिए हमारे अम्मा जी एंड बुआ जी। और सो बैठ चुके हैं, अब हम अब चलते अपने सफर की ओर सीट बेल्ट लगा के। और अब हम ददोल चौक से क्रॉस हो चुके हैं। अब ये देखिए, यहां का रास्ता बहुत ही भयंकर है, थोड़ा कीचड़ भरा हुआ रास्ता। और फाइनली अब हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अब उतरते हैं गाड़ी से, चलते हैं बाहर की ओर। और सड़क से मात्र 2 मिनट का रास्ता है वहां तक पहुंचने के लिए। ये देखिए अब हम पहुंच ही आए हैं, बस 1 मिनट का रास्ता। ये देखिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है, आपको ले चलते हैं अंदर की ओर, व्यवस्था बताते हैं पूरी। ये देखिए आग सेकने का प्रबंध किया गया अंदर। और ये देखिए आप, ये बदाना। एंड यहाँ पे ये देखिए इसकी फॉर्मेशन हो रही है, एक्चुअली तेल है, बाहर बारिश लगी है इसलिए अंदर इसको बनाया जा रहा है। सो चलते हैं आप रसोई की तरफ। ये देखिए ईंटों से बनाया गया ये मार्ग। और ये देखिए पहाड़ी भाषा में कहूँ तो ये देखिए चर लगी है और साथ में बटलोइयाँ। और यहाँ पे ये देखिए दालों बनाई जा रही हैं। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठा के यहाँ पे रख दे रही हैं, जो जो बन जाती है उसे यहाँ से उठा के ये देखिए साइड में रख दी जाती है। और ये देखिए ऊपर पानी ना पड़े इसलिए टीन का ढारा लगाया हुआ है। और ये देखिए चावल तो पक के तैयार कर दिए गए हैं और बाकी कार्य भी चला है। ये देखिए बहुत ज़ोर का कार्य है, ये पूरी बटलोई ये भरी हुई होती है इसको उठाना। सो अब चलते हैं बाहर की ओर। और ये देखिए पौड़ियों से चढ़ने के बाद ये देखिए यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे सर्व शायद करने गए हो कहीं बाहर, ये देखिए। और यहाँ पे बच्चे फ्री फायर खेलते हुए। से हेलो, कौन सी क्लास में हो आप? सेवंथ में हो? बिल्कुल। तो अब बाहर चलते हैं क्योंकि ये देखिए लड़की के ननिहाल वाले आ चुके हैं। सो यहाँ पे ये थोड़ा मिलना होगा लोक गीत के साथ, सुनिए आप भी, एंजॉय कीजिए। I'm
और अब एंट्री का समय, ये देखिए आग सेकते हुए चिल होके, ये देखिए इस तरह से प्रवेश किया जा रहा है अंदर। सो अब हम भी चलते हैं अंदर, आपको बताते हैं अंदर का दृश्य। ये देखिए पहले सर्वप्रथम यहाँ पे ये देखिए बैठे हुए चिल होके, और इस साइड ये देखिए दादी अम्मा जी बैठे हुए हैं, और इधर ये देखिए लोग बैठे हैं दुल्हन इस साइड में, और यहाँ पे अम्मा जी के साथ थोड़ी देर वार्तालाप कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। और अंदर काफी हंसी खुशी का माहौल, और आप डेकोरेशन देखिए बहुत लाजवाब डेकोरेशन की गई है, और थोड़ी देर वार्तालाप करते हैं। और ये देखिए चाय आ चुकी है, थैंक यू, मैं पीता नहीं एक्चुअली, और मिठाई भी आ चुकी है, और सबको मिठाई सर्व की जा रही है। एक्चुअली देखिए शादी में मिठाई का अलग ही मजा है अपना। सो करते हैं मिठाई को टेस्ट। ये देखिए सर्वप्रथम लिया मैंने एक बाइट, बहुत जबरदस्त टेस्ट शादी में, मतलब एक मिठाई का मजा आता और एक धाम का, बेहद जबरदस्त टेस्ट। और ये देखिए बाहर लोगों की पंगत अर्थात लाइनें बिठाई जा रही हैं। इसके बाद ये देखिए खाना शुरू होगा, प्लेट सर्व की जा रही है, ग्लास सर्व किए जा रहे हैं। सो ये देखिए लोग बैठ चुके हैं अब खाने के लिए, आराम से चिल होके, ठंड भी एक्चुअली बहुत है आज। और पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, अब थोड़ी देर बाद शांत की शुरुआत की जाएगी। सो अब दीदी जी से मिल लेते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं उनकी शादी की। और ये देखिए दीदी जी, दीदी जी को शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बैठ चुके हैं खाने के लिए, सर्वप्रथम चावल आएंगे, ये देखिए चावल, और सर्वप्रथम वो दाल आएगी जिसका अलग ही फैन बेस है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही, धुआं दाल आ चुकी है अम्मा की दाल। और ये देखिए अब कड़ी, इसके बाद आलू राजमा, खट्टा एंड चने की दाल, एंड लास्ट में मीठा। अब हमने पेट पूजा कर ली है, और अब चलते हैं थोड़ी देर अंदर की ओर। ये देखिए बच्चे खेलते हुए बहुत जबरदस्त बैलून के साथ एंजॉय करते हुए, और ये देखिए शाम का कार्य शुरू कर दिया गया है। और ये देखिए बच्चों का अलग ही अपना चला रहता है, बच्चे एंजॉय करते हैं फुल शादी में, और हम करते हैं थोड़ी देर वार्तालाप और चलते हैं अब घर की ओर। तो अब हम चल पड़े हैं, बाहर निकलते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिर से पंगत बैठ गई है। तो फाइनली अब हम शादी से आ चुके हैं, अब चलते हैं घर की ओर। मैंने लगा लिया सीट बेल्ट और हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, और अम्मा जी भी चलने के लिए तैयार। अम्मा जी मजा आया फिर ब्याज? मजा बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया अम्मा जी, ठीक ठाक पूजी जाना बढ़िया मजा। हाँ जी अम्मा जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे दूसरे दादी अम्मा जी वो वहीं पे रह गए कि वो कल तक आएंगे। सो अब हम चलते हैं घर की ओर। Thank you.
और यहाँ के रास्ते ये देखिए काफी बढ़िया यहाँ पे, और वाटरफॉल बहुत जबरदस्त। एक्चुअली बारिश हुई है इसकी वजह से ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। और अब हम अपर चौक पहुंच चुके हैं, अब यहां से लेंगे हम लेफ्ट टर्न और चलेंगे फिर घर की ओर। और मैं बैठा हूं साइड में, मम्मी जी कर रहे हैं ड्राइव और अम्मा जी पीछे चिल होके बैठे हुए हैं। और ये देखिए हमें पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, अब मैं घर पहुंच चुका हूं। इस तरह से हमने अपने कल्चर को थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करा। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो कृपया ब्लॉग को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, रखिए आप भी अपना ध्यान।